हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बिगिन विथ अनदर टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला। ठीक है, हाउ डज एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिनका हमारे बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं होती है, द मटेरियल्स विच आर ऑफ नो यूज़ फॉर आवर बॉडी नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसकी हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं है, उसको हमें बॉडी के बाहर निकालना है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन्स की पूरी असेंबली जो है, जो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है, उसके बारे में हम समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो अब बिगिन करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वेस्ट मटेरियल क्या होता है, हमारे बॉडी में किस तरीके का वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। ठीक है, राइट। तो डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि फूड का किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स में, ठीक है, ग्लूकोज में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। ठीक है, तो जो फैटी एसिड, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है। एमिनो एसिड्स मेनली प्रोटीन्स होते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी बिल्डिंग वाले काम होते हैं, मसल्स का बिल्डअप होना, ठीक है, क्रोमोसोम्स का बिल्डअप होना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का बिल्डअप होना, हर जगह तो प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स का जब भी मेकिंग वाला प्रोसेस होता है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, दैट इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो हम आज कौन से वेस्ट का एक्सक्रीशन पढ़ेंगे अपने बॉडी से, वी विल टुडे स्टडी अबाउट द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में हो सकता है, मेनली तीन फॉर्म्स में नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या तो यूरिया के फॉर्म में होगा, ठीक है, या तो अमोनिया के फॉर्म में होगा, ठीक है, या तो यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, फिर अमोनिया को यूरिया में हम कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फाइनली यूरिक एसिड के फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट है हमारे लिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रीट आउट कर देता है। अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीट आउट करता है। लेकिन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क है, वो किस टाइप के वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करता है, हमारे बॉडी के बाहर निकालता है, डैट इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम असेंबली देखेंगे, हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले वी विल हैव टू पेयर्स ऑफ किडनी, सॉरी वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लडर, नेक्स्ट फाइनली हमारा जो यूरेथ्रा। ठीक है, दीज आर द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। ह्यूमन बींग्स में ये चार ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम इनकी थोड़ी असेंबली देखने की कोशिश करते हैं। जो किडनीज होती हैं हमारी, वो किस शेप की होती है, द किडनीज आर ऑफ आलमंड शेप, नॉट आलमंड शेप्ड, इट इज़ ऑफ बीन शेप्ड, ये बीन शेप्ड की होती है। दीज आर किडनीज आर लोकेटेड ऑन द बैक साइड, हमारे पीछे वाले साइड पे होता है, प्रोस्टीरियर साइड पे होता है। ठीक है, तो ये दो किडनीज हैं, ये नॉर्मली जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, इस किडनी से यूरिन को बाहर निकालने का काम होता है एक डक्ट का या फिर एक पाइप का, इस पाइप का नाम है यूरेटर। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी किडनी हो गई बच्चों, दिस इज आवर किडनी। ठीक है, किडनी से यूरिन को बाहर निकालने का काम, राइट, द फंक्शन ऑफ व्हाट इज द थिंग दैट, व्हाट इज द डक्ट दैट टेक्स द यूरिन आउटसाइड द किडनी, किडनी के बाहर यूरिन को लेके आएगा यूरेटर।
ठीक है। अब ये यूरेटर यूरिन को कहाँ डंप करेगा? इट विल डंप द यूरिन इन द बैग। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरेटर यूरिन को लाके यूरिनरी ब्लैडर में फिल करता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, ठीक। तो एक टाइम के बाद यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से कम्प्लीटली फिल्ड अप हो जाता है, तो हमें अर्ज आती है यूरिनेशन की, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाहर यूरिन को बाहर निकालने का काम, एक्सक्रीट आउट करने का काम यूरेथ्रा का होता है, ठीक है। यूरेथ्रा का होता है, ठीक है। तो ये है हमारी थोड़ी सी असेंबली, ठीक है। कंप्लीट असेंबली ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट कंप्राइजेज ऑफ टू किडनीज जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। ब्लड को फिल्टर करने के बाद यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लडर तक ले जाने का काम किसका है? यूरेटर है। द यूरेटर, द फंक्शन ऑफ यूरेटर इज टू ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लडर, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर क्या करता है? टेम्पररली यूरिन को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। और फाइनली यूरेथ्रा वो ओपनिंग है या वो डक्ट है जिसके थ्रू यूरिन हमारे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द एंटायर असेंबली ऑफ द यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब किडनी को ब्लड की सप्लाई कौन करता है, ठीक है? जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड किडनी तक पहुँचता कैसे ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक आर्टरी होती है जो जिसके अंदर ब्रांचिंग हो जाएगी और वो दोनों किडनीज को पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रीनल आर्टरी? द रीनल आर्टरी विल ब्रिंग द इम्प्योर ब्लड और द ब्लड दैट इज कैरिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसा ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, फिल्ट्रेशन के लिए ये ब्लड किडनी तक पहुंचता कैसे है? रीनल आर्टरी के थ्रू, ठीक है। तो रीनल आर्टरी का फंक्शन क्या हो गया? ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड, ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड टू द किडनी, ठीक है। किडनी को इम्प्योर ब्लड सप्लाई करने का काम रीनल आर्टरी का है, ठीक है। तो अब ये ब्लड किडनी तक आया, इम्प्योर ब्लड, इसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन के साथ डिजॉल्व होके यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल गया, ब्लड हमारा प्योर हो गया या फिल्टर्ड हो गया। तो जो फिल्टर ब्लड है या फिर प्योर ब्लड जो है, उसको किडनी से फिर बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम किसका है? देयर इज अनदर ब्लड वेसल्स which is going to take the filtered blood, ठीक है। प्योर ब्लड को किडनी से बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम किसका है? रीनल वेन, रीनल वेन, ठीक। द रीनल वेन इज गोइंग टू टेक द प्योर ब्लड फ्रॉम द किडनी टू द बॉडी पार्ट्स। रीनल वेन किसको ले जाएगा? प्योर ब्लड को ले जाएगा। कहाँ से ले जाएगा? किडनी से ले जाएगा। कहाँ को लेके जाएगा? बॉडी पार्ट्स को लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी असेंबली के बारे में जाना कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की असेंबली हमारे बॉडी में किस तरीके से है, करेक्ट। अब नेक्स्ट हम जरा सा एक किडनी का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। किडनी की बात करूँ तो किडनी की लोकेशन हमारे बॉडी में कैसी होती है? तो ये किडनी का शेप हो गया कैसा है? बीन शेप्ड, बीन शेप्ड, ठीक है। ये प्रेजेंट कैसे होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं। इसकी लोकेशन क्या होती है हमारे बॉडी में? डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इसका साइज क्या है? 8 to 10 centimeter इन लेंथ, ठीक है। 8 to 10 centimeter की होती है ये, ठीक है। 8 to 10 centimeter इन लेंथ,
अब थोड़ा सा किडनी के अंदर जाके देखते हैं हम लोग, लेट अस गो इनसाइड द किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करती है, थोड़ा सा किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। 10th लेवल में तो बहुत ज़्यादा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है, बट स्टिल वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ठीक है, तो किडनी इज़ अ विसरल ऑर्गन, ये हमारे बॉडी का एक डेलिकेट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, तो किडनी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो किडनी के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो फैट की बनी हुई होती है। ठीक है, ये पहली वाली जो लेयर है किडनी की तरफ, ये किसकी बनी है, इट इज़ फैटी इन नेचर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रीनल फैट, रीनल फैट। ठीक है, ये क्या करती है, शॉक एब्जॉर्ब करती है, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्ब करती है, माइन्यूट मैकेनिकल जर्क्स, इन सब चीज़ों से किडनी को क्या करती है, बचा के रखती है। ठीक है, अब ये जो रीनल फैट वाली पहली लेयर है, इसके बाहर बाहर एक लेयर और प्रेजेंट है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है, ये सॉफ्ट और स्पंजी नहीं है। रीनल फैट वाली जो लेयर थी वो सॉफ्ट और स्पंजी थी, उसका काम था शॉक को एब्जॉर्ब करना, लेकिन रीनल फैट के बाहर जो एक लेयर और प्रेजेंट है, दैट इज़ नॉट स्पंजी, दैट इज़ फाइब्रस इन नेचर। ठीक है, ये लेयर जो होती है फाइब्रस होती है नेचर। जो जो दूसरी लेयर है, दैट इज़ रीनल फाइबर। ठीक है, इसका नेचर होता है प्रोटेक्टिव, ये जो किडनी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो हम लोगों ने किडनी के बारे में ये जाना कि किडनी के बाहर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, देयर आर टू लेयर्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द किडनी, रीनल फैट जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करती है, और रीनल फाइबर जो प्रोटेक्टिव होती है, हार्ड कवरिंग होती है। ठीक है, अब किडनी के अंदर चलते हैं। किडनी का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी। अगर किडनी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करें, तो किडनी का जो एक पहला वाला हाफ होता है, दिस पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इस वाले एरिया को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, जो इनर वाला पार्ट है, द इनर पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला, द इनर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड मेड्यूला। ठीक है, अब नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर ले कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी जो ये ब्लड को फिल्टर करने का वर्क कर रहा है, इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को लगातार एक्सक्रीट आउट कर रहा है बिना रुके, तो ये फंक्शन ये कर क्यों पाता है, इसके अंदर कौन सी ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो इसको ब्लड फिल्टर करने में हेल्प करती हैं। तो इसका आंसर क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज व्हाट, नेफ्रॉन। ठीक है, तो हमको ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, और यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेफ्रॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करता है, कितने स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन करना है होता है। ठीक है, तो फाइनली एस्क्रीटरी सिस्टम में अभी दो टॉपिक और बचे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो।